वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। महाराष्ट्र की राजनीति में अगले 48 घंटे काफी खास होने वाले हैं। सरकार के खिलाफ बागी हो चुके शिंदे के ग्रुप लीडर और ग्रुप लीडर की नियुक्ति को लेकर नरहरि जिरवाल के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। एक और जहां शिंदे समूह सरकार को समर्थन पत्र जारी करने के लिए भी आंदोलन चला रहे, तो वही शिवसेना द्वारा बागी 12 विधायकों को आयोग घोषित करने के आवेदन पर भी फैसला लिया जाना है। ऐसे में अगर फैसला शिंदे समूह के खिलाफ जाता है तो शिंदे और उसके साथी अदालत में फैसले को चुनौती दे सकते हैं। इधर देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में दिल्ली में भी बीजेपी में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात कुछ अहम नेताओं से इसे लेकर बातचीत हुई थी मोदी शाह की। वहीं महाराष्ट्र में हो रही सियासी उठापटक के पीछे शरद पवार सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले 48 घंटों में बीजेपी में भी अब मामले पर अपनी सतर्कता दिखा सकती है। ठाकरे सरकार पर मचे बवाल के बीच अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है। रामदास ने इस पूरी घटनाक्रम के लिए संजय राउत और उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार बताया है। साथ ही बागी हुए विधायकों को लेकर कहा है, उद्धव ठाकरे का समय आ गया है। अधिकांश विधायक एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे और अब भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे। आपको बता दें, राज्य की ठाकरे सरकार पर जारी संकट के बीच खबर ये भी है कि आज 3 और शिवसेना विधायक असम के गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, 5 निर्दलीय विधायक भी शिंदे के गुट की ताकत बढ़ाने में जुट सकते हैं। इसे लिहाज से देखा जाए तो शिंदे के समर्थक विधायकों की संख्या 54 पहुंच सकती है। खैर, अब इस पूरे बवाल पर अभी और कुछ क्या देखने को मिलेगा ये भी काफी दिलचस्प रहेगा। अब आपकी क्या राय है? जो महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है इसको लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, अमन, वीके न्यूज़।